हथियारबंद बदमाशों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर किया बस को हाईजैक। नोएडा से आगरा के लिए जा रही थी बस मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बेखौफ बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। नोएडा से आगरा जा रही बस को हथियारबंद बदमाशों ने बनाया निशाना की लूटपाट। सवारी बनकर बदमाश बस में हुए थे सवार, घटना को दिया अंजाम। बस में करीब एक दर्जन से अधिक सवारियों से की लाखों रुपए की लूटपाट। पुलिस को सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच में जुटी मथुरा के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना मथुरा के थाना सुरुई के यमुना एक्सप्रेसवे माइन स्टोन 89.90 की। मथुरा दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर बस को आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। बस में बैठी सवारियों से सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। देर रात थाना सुरीर इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन संख्या 90 पर करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश खड़े हुए थे। तभी दिल्ली से महोबा जा रही बस में सवारी बनकर बदमाश बैठ गए। करीब 1 किलोमीटर बस चलने के बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर बस में बैठी सवारियों से सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच और बदमाशों की तलाश में जुट गई। वहीं बस हाईजैक और लूट की घटना की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। एसएसपी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली से बस महोबा हमीरपुर जा रही थी। बीच रास्ते में सवारियों के लालच में ड्राइवर द्वारा बस को रोका गया। अज्ञात बदमाश सवारी बनकर बस में बैठे थे। कुछ दूरी तक बस के चलने के बाद बदमाशों में बस कंडक्टर के साथ मारपीट की और बस में बैठी सवारियों से लूटपाट कर सभी सवारियों से लूटपाट में 1,66,000 रुपये और कुछ मोबाइल बदमाश लूट फरार हो गए। पुलिस टीम ने सवारियों के साथ वार्ता की है। सवारियों से वार्ता के दौरान कुछ पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हमें तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। सभी साक्ष्य एकत्रित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ये थी संवाददाता मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। अच्छा हेल्पर थे, क्या घटना हुई थी? सर हुआ क्या, गाड़ी रुकी, गाड़ी सवारी लेने के लिए, सवारी तो जो वो लुटेरे थे सर, समझ तो नहीं पाए। कितने लोग थे वो? 5-6 लोग थे। तो ये कहाँ के लगभग मिले थे आपको? ये मिले 89 बोर्ड नंबर पे मिले सर। तो ये खड़े थे नीचे? जी सर नीचे नहीं, आगे पे खड़े। तो इन्होंने हाथ दिया था? जी सर। तो फिर सर, क्या क्या हुआ? सो रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पूछा कहाँ जाओगे? जी पूछो, हमने पूछा कहने लगे आगरा जाएंगे। जी कहने का भैया हम सो रहे थे, कहने भैया आगरा जाएंगे। जी तो कहने लगे कि क्या किराया लोगे? हमने कहा 100-100 रुपये। कहने लगा ठीक है बैठा ले। बैठाने के बाद वो जो जैसे बैठा के गेट बंद किया, गेट बंद नहीं किया था, जैसे बैठाया सब चढ़ गए। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी, उन्होंने अपने ऐसे जैसे आपने गमछा डाल रखा वैसे गमछा डाल रखा था, अपना अपना मुंह बंद कर लिया। जी मुँह बंद करके कहने कहने का गाड़ी साइड में लगा, उन्होंने कहा गाड़ी साइड में नहीं लगेगी। उसने एक कंटाम मार दिया, हमने एक लात मार दिया, उसने पिस्तौल निकाल दी, गोली हमारे सामने भरी और लगा दी। कहने लगे जब तक 3-4 लोगों ने पकड़ के हमको, वो गैली नहीं होती बस के बीच में जगह थी आने जाने की, वहीं गिरा दिया सर और मारा 3-4 लोगों ने। हम वहीं से इमरजेंसी खिड़की कूद के भाग गए। तो कितने टाइम गाड़ी में वो रहे और कितनी देर किस किस के साथ? सर इसके बाद क्या हमें नहीं पता सर, हम इधर सबसे पहले कांड हमारे साथ हुआ, हम कूद के गाड़ी से भागे, उसके बाद क्या हुआ सर हमें नहीं पता। अच्छा आप गाड़ी से कूद गए। मथुरा के थाना सुरी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस रात्रि में दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी। बीच रास्ते में ड्राइवर द्वारा सवारियों के लालच में बस को रोका गया। कुछ अज्ञात व्यक्ति सवारी बनकर उस बस में चढ़े। कुछ देर चलने आगे चलने पर उनके द्वारा कंडक्टर के साथ मारपीट गई है और जो सवारियां से उनके साथ लूट की घटना की गई है। इस पूरी घटना में सभी सवारियों के कुल मिलाकर के 1,66,000 रुपये व कुछ मोबाइल फ़ोन गए हैं।
सभी सवारियों के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा और हमारे द्वारा वार्ता की गई है। कई अहम सुराग उसमें से मिले हैं, तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य साक्षियों के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद इसमें ली जा रही है। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही जल्द इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।